अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम लोग अपने बालों की करेंगे कैरेटिन ट्रीटमेंट और बनाएंगे एक ज़बरदस्त कैरेटिन प्रोटीन हेयर मास्क। ठीक है, कैरेटिन ट्रीटमेंट के बारे में तो ऑलरेडी आप सब जानती हैं, लोग पार्लर से अपने बालों को सिल्की स्मूथ शाइनी करने के लिए कैरेटिन ट्रीटमेंट करवाते हैं। एक्चुअली वो एक केमिकल बेस्ड प्रोटीन होता है जिसको आपके बालों पर अप्लाई किया जाता है आपके बालों की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, बालों को सिल्की स्मूथ शाइनी करने के लिए। लेकिन उसका रिजल्ट बहुत लिमिटेड होता है, जैसे ही उसका टाइम ख़त्म होता है आपके बाल और भी ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं और वापस से जो भी आपके बालों की कंडीशन थी वही हो जाती है, क्योंकि वो एक केमिकल था। ठीक है, वो आपके बालों की किसी भी तरह से ट्रीटमेंट नहीं होता है, वो सिर्फ एक टेम्पररी ट्रीटमेंट होता है जिसका जब तक इफेक्ट रहता है तभी तक आपके बाल भी अच्छे रहते हैं। ठीक है, कि ना तो हमें कोई केमिकल ट्रीटमेंट करवाना है, ना ही हम किसी केमिकल को अपने बालों पर अप्लाई करने वाले हैं। तो इस कंडीशन में आप अपने घर पर ही अपने बालों को सिल्की स्मूथ शाइनी करने के लिए, स्ट्रेट करने के लिए, अपने बालों को वेल मैनेजेबल रखने के लिए, अपने बालों की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए इस तरह की DIY कैरेटिन प्रोटीन मास्क को बना के यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जो कि 100% नेचुरल है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसको यूज़ करना, इसको बनाना काफ़ी इजी और अफोर्डेबल भी है। ठीक है, सो आप में से जिन जिन लोगों के बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो गए हैं, बहुत रफ हो गए हैं, फ्रिजी हो गए हैं, आपके बालों में बहुत ज़्यादा हेयर ब्रेकेज की प्रॉब्लम है, स्प्लेटेंस है, चाहे किसी भी तरह की आपके बालों में प्रॉब्लम चल रही है, तो आप इस हेयर मास्क को ज़रूर बना के यूज़ कीजिए। यह आपके बालों की हेल्थ को बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर देगा। ठीक है, सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, और पूरी वीडियो को देखने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, सो नाउ कैरेटिन हेयर मास्क बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए फ्लैक्सीड जेल। अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं तो आपको पता होगा फ्लैक्सीड जेल घर पर किस तरह से बनाया जाता है, लेकिन अगर आपको फ्लैक्सीड जेल बनाना नहीं आता है तो आप मेरी कोई भी फ्लैक्सीड की वीडियो देख सकते हैं जिससे आप घर पर फ्लैक्सीड जेल बनाना सीख जाएंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अपने बालों की लेंथ के हिसाब से फ्लैक्सीड जेल बना लेना है। फ्लैक्सीड आपके ड्राई, फ्रिजी और डैमेज बालों के लिए एक बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट होता है। ये आपके ड्राई और रफ बालों में हाइड्रेशन देता है, मॉइस्चराइजेशन देता है, जिससे कि आपके बाल बहुत ज़्यादा हेल्दी और नरिश हो जाते हैं। ठीक है, ये आपके हेयर फॉलिकल्स को भी बहुत ज़्यादा नरिश करता है। हमारा सेकेंड इंग्रेडिएंट है कर्ड, यानी कि दही। दही आप चाहें तो मार्केट वाला ले सकते हैं या फिर घर का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मेक श्योर कि आप खट्टी दही का ही यूज़ करेंगे। दही को अच्छी तरीके से फेंट लीजिए। दही हमारी हेयर कंडीशनिंग के लिए और फ्रिज को कंट्रोल करने के लिए एक बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट होता है। तो यहाँ पे आपको एक दूसरा बॉल लेना है और इन दोनों ही इंग्रेडिएंट को इस बॉल में अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्सिंग के लिए आप चाहे तो ब्लेंडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, मिक्सर जार का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हैंड विस्क से भी आप इसको ब्लेंड कर सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छे से इसकी मिक्सिंग कीजिएगा ताकि ये एक साल हो जाए, ये दोनों इंग्रेडिएंट आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। ठीक है, उसके बाद हम इसमें थर्ड और लास्ट इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे, अपना कोई भी कैरियर ऑयल। आप यहाँ पर मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ आलमंड ऑयल, लेकिन अगर आपके पास आलमंड ऑयल नहीं है तो आप इसकी जगह पे कोकोनट ऑयल या फिर आप यहाँ पे ऑलिव ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा डैमेज और ड्राई हैं तो यहाँ पे आप 2 चम्मच ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लिया है, अब इसको अप्लाई कैसे करना है। तो किसी भी हेयर मास्क को अप्लाई करने से पहले मेक श्योर आप अपने साफ सुथरे बालों पे ही अप्लाई कीजिए। सपोज अगर आपने आज शैम्पू किया है तो कल आप इस हेयर मास्क को अप्लाई करेंगे। ठीक है, हेयर मास्क को अप्लाई करने से पहले आप अपने बालों को अच्छे से डिटेंगल कर लीजिए और इस मास्क को आप अपने स्कैल्प, अपने पूरे हेयर लेंथ में, अपने हेयर एंड्स में अच्छी तरीके से अप्लाई कीजिए। स्कैल्प में अप्लाई करना भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सारे इंग्रेडिएंट आपके स्कैल्प की हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। ये आपकी हेयर रूट्स को, आपकी हेयर फॉलिकल्स को बहुत ज़्यादा नरिश करता है, हेल्दी करता है। ठीक है, तो अगर आपको लगता है ये थोड़ा सा लिक्विडी है, जो कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर फिर भी आपको इसको अप्लाई करने में प्रॉब्लम होता है तो आप यहाँ पे 1 टेबल स्पून फेनिग्रीक पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, फेनिग्रीक को आप मिक्सर ग्राइंडर में अच्छे से ग्राइंड करके इसका पाउडर बना लीजिए और 1 से 2 टेबल स्पून आप यहाँ पर इसमें ऐड कर दीजिए और इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए, उसके बाद आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज आप इसको एज इट इज़ भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने बालों को अपसाइड डाउन करके किसी भी मग में इस मास्क को ट्रांसफ़र कर लीजिए और फिर अपने बालों पे अच्छे से अप्लाई कर लीजिए। ठीक है, इस मास्क को अप्लाई करने के बाद 1 घंटे के लिए अपने बालों पे रखिए। उसके बाद 1 घंटे के बाद आप किसी भी हर्बल शैम्पू से अपने बालों को वॉश कर लीजिए। ठीक है, आप मेक श्योर कि हर्बल शैम्पू का ही यूज़ कीजिएगा, क्योंकि अगर आप केमिकल बेस्ड शैम्पू का यूज़ करते हैं तो चूँकि अपने बालों पर आपने प्रोटीन को अप्लाई किया है, अगर आप केमिकल बेस्ड शैम्पू यूज़ करेंगे तो इससे ये आपके बालों से प्रोटीन को वाइप ऑफ कर देगा और फिर आपको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं
नहीं मिलेगा, ठीक है। नाउ इस मास्क को आपको कितने दिन यूज़ करना है, हफ्ते में कितने बार यूज़ करना है, तो देखें अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हैं, बहुत ज़्यादा ड्राई हैं, रफ हैं और हमेशा से आपके बालों की जो टेक्स्चर है बहुत ज़्यादा डैमेज और रफ सी रही है, तो फिर आप इस मास्क को हफ्ते में एक बार ज़रूर अप्लाई करें, ठीक है। धीरे धीरे ये आपके बालों की प्रॉब्लम को ट्रीट करेगा, क्योर करेगा और आपके बालों की हेल्थ को इम्प्रूव करेगा, ठीक है। या फिर आप अपने बालों पर सिर्फ एज अ प्रिवेंशन हेयर मास्क यूज़ कर रहे हैं, आपके बालों में उतना ज़्यादा डैमेज नहीं है, आप सिर्फ अपने बालों को सिल्की स्मूथ शाइनी करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो फिर इस कंडीशन में आप मंथ में एक से दो बार इस मास्क को लगा सकते हैं, ठीक है। सो आप सब अपने बालों की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, अपने बालों को ट्रीट करने के लिए, अपने बालों में कैराटिन ट्रीटमेंट करने के लिए इस मास्क को ज़रूर अप्लाई करें और इसको यूज़ करने के बाद अपना फीडबैक, अपना रिव्यू मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। आई रियली होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अपने न्यू वीडियो के साथ, टिल देन अल्लाह हाफिज़।